यही चाहिए। भरोसा मत दिखने देना, विश्वास डोलने मत देना। दुनिया के लोग बहुत आएंगे आपके पास कहने के लिए, चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, चलो मैं वैसा कर देता हूँ, चलो मैं तुम्हारे पास मैं ऐसा कर देता हूँ। पर विश्वास शंकर के चरण में रखना। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं। अगर तुम्हारी बात सुनने के लिए अगर मृत्यु लोक में रहता है तो मेरा देवी देवता महादेव रहता है, वो सुनेगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा हो सकता है हमारी सेवा में अर्चना में पूजन में भजन में कोई कमी रह जाए। एक पशुपति व्रत में अगर कामना भी हो तो एक महीने का गेप करो, 15 दिन का गेप करो, 15 दिन छोड़ने के बाद फिर बाबा से कहना कोई कमी रह गई। या तो मैंने पति पत्नी ने व्रत करा, एक ही हलवा बनाया और दोनों बांट कर ले, या तो कढ़ैया में मैंने प्रसाद को बांट लिया इसलिए मेरा फल नहीं मिला, या मेरे यहाँ पर मेहमान ज्यादा आए तो मैंने हलवा ज्यादा बना लिया आपके लिए भी ले गई और मेहमान को भी छोड़ गई, या मैंने खीर बनाई तो बच्चों के लिए भी बना दी साथ में, हो सकता है उसमें त्रुटि हो गई। आपको एक बात कही थी, हलवा बनाना तो उतना बनाना जितना महादेव के मंदिर ले जाना, शिव के लिए खीर बनाना तो उतनी बनाना जितना महादेव के मंदिर ले जाना, ज्यादा नहीं कि मैं बच्चों के लिए छोड़ दूंगी, मैं अकेली खाऊंगी और बच्चे मुझे देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं ले जाओ पूरा भगोना भरकर। अगर तुम्हारे बच्चों के लिए करना है भगोना भरकर ले जाओ, दो हिस्से मंदिर में छोड़ दिया बच्चों से उठा लो, खा लो, मना कौन कर रहा है। पर बनाना मुझे देवाधिदेव महादेव के लिए है, जितना बनाऊंगी उसका तीसरा हिस्सा मुझे खाना पड़ेगा, तीसरा हिस्सा केवल मेरे लिए रहेगा। परीक्षा लेता है मेरा देवाधिदेव महादेव, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मन हमारा डोल जाता है कि पति पत्नी दोनों पशुपति व्रत कर रहे हैं, हलवा ज्यादा बना लेती हूँ, आता तुम्हारे काम आता मेरे काम, कढ़ैया में दो हिस्से हो गए तो भगवान का हिस्सा करने की जरूरत क्या है मेरे दरबार में, क्यों हिस्सा करता दिखावा करते। इस कुबेरेश्वर बाबा की पूरी भूमि पर कहीं पर भी घूम कर देखना, कहीं दिखावे का काम नहीं है, कहीं दिखावे का काम नहीं है यहाँ पर, कोई दिखावा हो रहा हो। जो तुम दान देते हो भोजन भंडारे में वो भोजन भंडारा हो रहा है, जो तुमने व्यवस्था कराई वो व्यवस्था हो रही है, बाबा के लिए जो दान देते हो तो बाबा के मंदिर का निर्माण हो रहा है, वृद्धाश्रम के लिए दान दे रहे हो तो वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है, गौशाला के लिए देते हो तो गौ माता के सुंदर सेवा का आनंद हो रहा है और गौशाला का निर्माण प्रारंभ हो रहा है, ये शिव भक्ति है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और जितना महाराज पहन कर बैठता है यजमानों ने पहनाया और अभी भी पहना रहा है, कोई कमी जजमान नहीं करता, पहना रहा है। और कोई कहे कि इसको उतार कर तिजोरी में रख दें या छुपा के रख दें तो बाद में औलाद गटके पहने के अपन के ऊपर से देखेंगे, इसलिए अलमस्त जिंदगी जियो, रोकर जीवन मत जीना कभी भी जिंदगी में, याद रखना। दुनिया में आए हो, समस्याएं बहुत सारी होगी, पर सारी समस्या का हल एक लोटा जल, प्रत्येक समस्या का हल है दिल लगाना मेरे महादेव से। जब दिल लगाकर बैठ जाओगे तो फिर उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे पास में आकर खड़ा हो जाएगा, निश्चित है वो तुम्हारे सम्मुख में। 22 साल के मरे हुए लड़के को वापस पाने के लिए वो पशुपति व्रत कर लेती है और ऑपरेशन शुरू कर वापस उस बच्चे को प्राप्त कर लेती है, केवल शिव पर विश्वास करता, भरोसा करता। कौन विचार करेगा ये कि लड़का मर गया 22 साल का, उसके बाद बच्चा आ सकता है, कौन विचार करेगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी दे, ये उसका नाम उसका शंकर शंकर है। कल पंडित श्री सुधीर जी व्यास जी सुंदरकांड इंदौर से बहुत सुंदर सुंदरकांड का वाचन करने वाले, समझा समझा कर सुंदरकांड को बोलने वाले। कल पंडित श्री सुधीर जी व्यास जी के शब्द थे कि मैं एक दिन के लिए घर चले गया तो पर मेरा दिल नहीं लग रहा था, वापस से वापस छोड़ दिया, शब्द थे दिल शिव से लगाइए, भगवान शंकर से अगर एक बार दिल लगा लिया, शिव से अगर मन लगा लिया तो वो शंकर ही समान है। आप जाओ तो यहां से भले यहाँ पर सोने के लिए जगह नहीं है, भले भोजन में पूरी सब्जी चावल जो मिल गया नहीं खा लिया, कहीं ज्यादा बाथरूम वगैरह नहीं बनी हुई है, कितनी समस्याएं हैं तुम्हारे साथ में, पर इतना समस्याओं होने के बाद भी तुम तस्से मस नहीं होते, तो ये शिव भक्ति नहीं। और महाराज के यहाँ तो खूब बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, बहुत जगह है, बहुत व्यवस्थाएं हैं, सब लोग आके हमसे कहते हैं तुम थोड़ा अच्छा इंजीनियर कर लो और अच्छे से सब बनवाओ और अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं भक्तों को दो तो ये लोग आएंगे रुकेंगे तो थोड़ा बहुत धन भी देकर जाएंगे। हमने कहा अगर इनकी जी हजूरी करेंगे तो थोड़ा मिलेगा, उसकी जी हजूरी कर लूंगा तो भरपेट मिलेगा, वो देने वाले यार तुम लोगों की राजसी थाट के लिए थोड़ी ना बनाया है कुबेरेश्वर धाम। कुबेरेश्वर धाम में तो ये लड़ा है, पढ़ो सो आनंद लो, धोख लगाओ, दंडवत करो, कंकर शंकर में घूम लो, प्रणाम करो, बाबा से निवेदन करो, जाओ और जाना ऐसे कि 3 महीने में वापिस आना, ऐसा बोलकर जाना। यहाँ तो कंकर शंकर है, उससे कहो जिस समय तुम दंडवत करते हो, जिस समय तुम धोख लगाते हो, दंडवत करते हो, उस समय तुम्हारा दिल उस परमात्मा में लगा होना चाहिए। मैंने सुना है प्रणाम करते समय हम सवेरे आते हैं, आज तो सोनी जी के दोनों पुत्र लेने पहुंच गए थे, सुबह आते हैं तो पहले बाबा को दंडवत कर लेते हैं, बाबा तेरी भूमि है, जोड़े से यहाँ पर रहता है, तेरी ऐसी कृपा है, जोड़े से कहीं पर भी घूमता रहता है तेरे धाम पर, बाबा ऐसी कृपा कर, जो आए दिल से लेकर जाए, फिर आया फिर ले लेता, खाली मत छोड़ना। कुबेरेश्वर धाम से
ऑनलाइन कथा जितने सुन रहे हो भाई बहनों, मेरे युवान बेटा बेटियां भाई बहन सुन रहे हैं, वो भी दिल लगाकर सुनो। नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो, पढ़ाई के लिए कर रहे हो, पूरा कर्म करो, दिल से करो, मेहनत दिल से करना। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कहा कर्म कराने, शंकर भगवान की कथा करती है कि कर्म तुम करना। पीछे में खड़ा हूं, जिस में बैठ कर तुम परीक्षा देते हो, वहां पर तुमने जिसके पास ट्यूशन पढ़ी है ना, वो टीचर भी वहीं रहता है, उसकी ड्यूटी लगी है। बोलो सही है, उसकी ड्यूटी लगी तुम्हारे कक्ष में। पर क्या वो जिसके यहां तुमने ट्यूशन पढ़ी वो तुमको कुछ नकल कराएगा? अरे बोलो जम के जरा, नहीं कराएगा। तुम घबराओगे, आंखों से आंसू गिरेगा, पसीना टपकेगा कि कुछ गुरुजी बता दें, गुरुजी नहीं बताएंगे। जो उसने पढ़ाया है वो तुम लिखो, कॉपी दी, बाद में जब गुरुजी बाहर मिले, प्रणाम करा, मेरा रिजल्ट गुरुजी, मेरा रिजल्ट। गुरुजी बोले चिंता मत कर, एग्जाम देना तेरा काम था, रिजल्ट बनाना मेरा काम था। शिव भी ऐसा, कर्म करना तेरा काम है, फल देना उसका काम। पढ़ाई तुम करो, कर्म तुम करो, पर उसके भरोसे आखिरी में जैसे जाते जाते टीचर से पांव पड़कर आया कि रिजल्ट देख लेना, जब सारा कर्म कर दो, कर्म करने के बाद में जब फल ना मिले, उससे पहले शिव जी के पास जाकर एक लोटा पानी चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर कह देना, रिजल्ट देख लेना, नौकरी के लिए अप्लाई करा है मैंने, दुकान डाली है, रिजल्ट तुझे देखना है, मैं तेरे भरोसे। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। संसार के भरोसे रहोगे एक दिन डूब जाओगे, पर उसके भरोसे रहोगे कभी धोखा नहीं खाओगे। संसार के लोग धोखा दे सकते हैं, पूरे संसार की विडंबना हो गई, भगवान के लिए मंदिर छोटा हो गया घरों में और बाथरूम बड़ी हो गई, और विचार करते हैं कि भगवान हमको एक मकान और दिला दे, मेरा डबल मंजिल बन जाए। भगवान बोले मुझे कोने में पटक के रखा है और बाथरूम में लोट लगा लगा के नहा रहा है, और कि एक मकान और हो जाए, भगवान के अब प्रमोशन नहीं होगा, अब डिमोशन होगा। भगवान का भजन जिसको बुरा लगता है, ध्यान दीजिए, भगवान का भजन जिसको बुरा लगता हो, शिव महापुराण की कथा जिसको बुरी लगती हो, राम कथा भागवत कथा जिसको बुरी लगती हो, घर में आए हुए मेहमान जिसको बुरे लगते हो, पाठ पूजन जिसको बुरी लगती हो, समझ लेना उसके बुरे दिन की शुरुआत चालू हो चुकी है, उसका बुरा दिन चालू हो गया। देनी नहीं है भगवान के भजन में, दान में, पुण्य में, सत्कर्म में, मुंह मत बिगाड़ो, ऐसे ऐसे माता करें। भगवान के भजन में, दान में, पुण्य में, सत्संग में, संकीर्तन में, शिव पुराण को सुनने में, स्मरण में मुंह मत बिगाड़ो। अगर परमात्मा के भजन में तुम्हारा मुंह बिगड़ेगा तो तुम्हारे घर को बिगड़ने में देर नहीं लगेगी, 15 मिनट। उसके भजन में मुंह मत बिगाड़ो, उसके कीर्तन में मुंह मत बिगाड़ो, उसके स्मरण में मुंह मत बिगाड़ो, उसकी कथा में मुंह मत बिगाड़ो, उसके दान में मुंह मत बिगाड़ो, उसके पुण्य में मुंह मत बिगाड़ो। आप जितना बन सके, आपसे बने तो ठीक है, नहीं बने ना तो मुंह नहीं बिगाड़ना, अपने आपने मुंह नहीं सड़ सकते तो घर कब सड़ जाए, मुंडा सड़ता सड़ता मुंडा बिगड़ता बिगड़ता घर का बिगड़ जाए, मालूम नहीं पड़ेगा। हमें मुंडा नहीं बिगाड़ना, हमसे नहीं बन गया, नहीं कर, कौन ने कहा तुमसे किसान करो? हम तो इतना कहते हैं कि भोलेनाथ तुमको देना चालू करे तो तुम उसमें से एक पंखड़ी निकाल कर कुबेरेश्वर महादेव में भेजना चालू कर देना। कितना शिव से कहकर जाना, तेरा नाम कुबेर भंडारी है, लोग तुझे कुबेर भंडारी कहते हैं, लोग तुझे कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। 10 साल से बंद वो ईंट का भट्टा वासी महाराष्ट्र से आई, वो जीजी जिसका 10 साल से ईंट का भट्टा बंद पड़ा हुआ था, व्यापार कुछ नहीं था, जब वो यहां ठोक लगा कर गई तो उसने नीचे लिखा, उस पर्चे को भी देखो ध्यान से, उस पर्चे में लिखा है कि मैंने भगवान से पार्टनरी कर ली। अब आप बताओ, इनके कोई दूसरा पार्टनर नहीं मिला? शिव उससे कहो ना, वो देगा तुमको। महाराज बहुत दिक्कत, बहुत दुख, संसार में जन्म मिला है मेरा, पर बहुत तकलीफें झेल रहा हूँ, पर सुना है तू है तो क्या गम है, तेरे साथ में हूँ ना तो चिंता नहीं मुझको, मैंने सुना है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो मैं भी नियम बनाकर चढ़ाऊंगा। 3 महीने नहीं सुनेगा, 5 महीने में सुनेगा, 5 महीने में नहीं सुनेगा, 6 महीने में सुनेगा, 6 महीने में नहीं सुनेगा, 1 साल में सुनेगा, उसकी चौखट नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ना चौखट, उसका दरबार पकड़ कर रखना। शंकर भगवान की ये पावन कथा, ये कथा नहीं है, मनुष्य का विल पावर मजबूत करने की एक औषधि है कि तेरा बल देने के लिए महादेव है।
तेरा फल देने के लिए महादेव है। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई तब शंकर के चरणारविंद का स्मरण करा, गर्गाचार्य बाबा ने बिठा कर एक एक रानी के साथ 11 11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करवाया, तब जाकर भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे हुए। भगवान राम जब धनुष यज्ञ में पहुंच रहे हैं तब विश्वामित्र बाबा जान गए कि वो धनुष साधारण नहीं है, उस धनुष को तोड़ना साधारण नहीं है, उस धनुष को उठाना साधारण नहीं है, क्योंकि वो धनुष किसका है? जनकपुरी जाने से पहले राम जी को बिठाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर पूजन करा दी। पूजन कराकर शंकर भगवान से विनती करी कि बाबा यज्ञ में जा रहा हूं, धनुष यज्ञ में जा रहा हूं, स्वयंवर में जा रहा हूं, देख लेना विश्वामित्र बाबा ने राम जी से धनुष यज्ञ के पहले शंकर जी का अभिषेक कराया, लेकर गए धनुष को तो चढ़ाया था, धनुष टूट गया। परशुराम भगवान ने कितना कितना विवाद मचाया कि ये धनुष किसने तोड़ा, राम जी ने कहा मैंने तो चढ़ाया था, टूटा का मालूम नहीं पड़ा। परशुराम जी ने ध्यान लगाकर देखा शिव का धनुष कोई नहीं तोड़ सकता, राम जी की सामर्थ्य नहीं शंकर जी का धनुष तोड़ दे, तोड़ने वाला तो केवल देव जी महादेव जिसने तोड़ कौन तोड़ेगा? अशुक्ति व्रत तुम कर रहे हो? नहीं, शंकर तुम्हारे भीतर व्यक्त करा रहा, कथा तुम सुन रहे हो? नहीं, शिव सुना रहा। इतने गीले कीचड़ में पानी गिर गया, कीचड़ में बैठकर कपड़ों का ध्यान ना देकर तुम इतनी देर से वो छतरी पे टंगे, दीवार पे टंगे, और कथा सुन रहे हो? ना वहां पर एलईडी लगी है, ना कोई सीढ़ी लगी, और टेंट तुम जाकर देखो तो सर भरचक भरा है, हॉल जाकर देखो भरचक भरा है, ऊपर की बिल्डिंग जाकर देखो उसकी कच्ची भरी है, गौशाला में जाकर देखो गौशाला भरी है, पीछे कुबेरेश्वर महादेव पर जाकर देखो वहां भरे पड़े हो, ना टीवी लगी है ना एलईडी लगी है, उसके बाद भी तुम इतने मौन रहकर चुप रहकर दिल लगाकर कथा सुन रहे हो तो तुम नहीं सुन रहे। और कथा सियोर वाला महाराज नहीं बात चला, ये तो ये कुबेरेश्वर महादेव साथ में चलकर आगे बैठ कर मेरा कल्लू बैठ कर मेरा राम मेरा कृष्ण मेरा शिव कथा का पठन करता है। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम बात दें, और ये जजमान सोनी जी और पाठक जी कथा नहीं करा रहे, कथा की शुरुआत होती है तो उसमें वर्णन आता है शंकर पार्वती जी जजमान बनकर कथा सुनने गए थे, तो ये केवल यजमान नहीं है, शिव पार्वती के रूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये साधन कोई है। कल बीच में एक माता भोजन जम के चिल्लाई, हम समझ गए थे कि नंदी की लुगाई आई, उन्हें क्या क्या कोई चिल्ला रहा है, उसका ध्यान देंगे क्या? नहीं, ध्यान करो शंकर भगवान के इतने गण कोई तो आया और तुम जो है उसके कहने में तुम भी चिल्ला छोड़ नहीं, सिर पे पल्लू लग के पांव पड़ लेते, जी जी आ गए, आज मिली नंदी की लुगाई, गजब। शिव है वो, ओ घड़ी है, शरीर में बहुत सारे देवी देवता आते हैं, कभी तुमने सुना शंकर जी आया? क्योंकि वो कहीं गया ही नहीं था, तो आएगा यही है, तो वो शरीर में आते लोग इनके गंगा जी आई, उनके वो आया, उनके वो आया, उनके वो आया, आज तक हमें सुनने को नहीं मिला कि इनके शंकर जी आया, क्योंकि इनके शंकर जी आए तो हम भी इंतजार करें कि धतूरा ये बोरी भर के चढ़ा, सब आएंगे शंकर जी नहीं आएगा, क्योंकि शंकर जी यही है, कहीं गया होगा तो आता, जो जाता है वो आता, पर ये तो भूमि छोड़कर कहीं जाता नहीं, कैलाश पर बैठा नमस्त होगा, कभी कभी घूमने काशी चले जाता है, काशी से निकलकर उज्जैनी पहुंच जाता है, उज्जैनी से निकलकर केदार से निकला तो ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर से भीमासन, मल्लिकार्जुन और कहीं त्र्यंबकेश्वर, ऐसा घूमता घूमता वेदना, वेदनाथ जी से गया तो कहीं परली, कहीं मल्लिकार्जुन, ऐसा घूमता 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 जब सतपुर फिरकी फिरने के बाद जब फ्री हो जाता है तो सीधा जाता है, तो ये तो भूमि है। ये उसका आनंद है। 33 कोटि देवताओं में किसी देवी देवता का ऐसा फोटो हो जिसमें वो अपने बच्चों के साथ बैठे हों तो जरूर दिखाना। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे होते हैं जो अपने छोरा छोरी के साथ आराम से बैठे रहते हैं, पूरे परिवार के साथ, शेर नंदी सांप चूहा गणेश जी कार्तिकेय मोर अशोक सुंदरी जया अभिशहरा सामरीवारी दौ तलिंग, क्यों? शंकर भगवान कहते हैं फैमिली अच्छे लगते हैं, आपसे भी निवेदन है अकेले से शोभा नहीं है, आप घर में माता पिता हो भाई बंधु कुटुंब कबीला हो उससे खुशियां आती हैं, प्रसन्नता उससे खुशियां आती हैं, माता पिता हैं घर में तो एक जीवन का आनंद प्राप्त होता है, घर के बुजुर्ग कभी भी अपने लिए नहीं मांगते, याद रखना, कौन? घर के बुजुर्ग कभी भी अपने लिए नहीं मांगते, घर के बुजुर्ग अगर मांगते हैं तो अपने बच्चों के लिए ही मांगते हैं, ये बड़े ये अग्रणी बड़े ये आगे। एक एक बात याद करिए, एक पिता और एक पुत्र नाव में बैठकर जा रहे थे, चलते चलते हवा का रुख बदल गया, पानी में समुद्र में रास्ता भूल गए, नाव टापू पर लग गई,
टापू पर दोनों बाप और बेटे, पिता और पुत्र उतर गए। उतरने के बाद दोनों पिता और पुत्र ने विचार करा, पिताजी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, रास्ता अलग भूल गए हैं, पानी में जाएंगे कैसे, इतना विशाल समुद्र है, पार कहां से होंगे, कोई छोर नजर नहीं आ रहा। पिताजी क्या करें, पिताजी बोले अब टापू पर ही रहते हैं। दोनों टापू पर उतर गए। उतरते से बेटा कहने लगा, पिताजी अब तो अंतिम समय आ गया ऐसा लगता है। पिताजी ने कहा, पुत्र बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही है, मरने का समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया, अब आगे हमारा कोई भी नहीं है, मरना यही पर है, तो एक काम क्यों ना करें। दोनों बाप बैठे, अलग अलग टापू पे बैठ जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करेंगे मर जाएंगे, भजन करते करते दोनों ने अलग अलग टापू पर बैठकर ईश्वर को याद करना प्रारंभ करा, भजन करना प्रारंभ करा। जबते जबते भजन करते 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 एक दिन बेटे ने भगवान से कहा, भगवान आज 12 दिन हो गए, भूख लग रही है, भोजन के लिए कोई फल वाले वृक्ष लग जाए, कृपा हो जाएगी। भगवान ने फल वाले वृक्ष लगा दिए, उसने आंख खोलकर देखा, भारी भजन हो गया, भगवान ने फल वाले वृक्ष लगा दिया, भगवान का धन्यवाद दिया, फिर बैठ गया तब करने के लिए, भजन करने के लिए, फिर हाथ जोड़कर बोला, भगवान फलदार वृक्ष बन गए, अब कोई एक मकान या झोपड़ा बन जाए तो कृपा हो जाए, भगवान ने उसके लिए झोपड़ा। फिर कब करने बैठ गया हाथ बंद कर, फिर बोला, भगवान अब तो ऐसा हो जाए कि किसी कन्या से मेरी शादी हो जाए, भगवान ने कृपा कर दी, एक लड़की मिल गई, उससे शादी भी हो गई। अब मन में आया, भगवान ऐसा कुछ कर दो कि हम यहाँ से चलें और हमारे को रास्ता मिल जाए। नाव आ गई, दोनों बैठ कर जाने लगे। इतनी देर में आकाशवाणी हुई कि तुम अकेले जा रहे हो, तुम्हारे पिताजी दूसरे वाले टापू पर हैं, उनको लेकर नहीं जाओगे। पुत्र बोला, मैं भी भजन कर रहा था, मेरा पिता भी भजन कर रहा था, मैं भी ईश्वर को मना रहा था, वो भी ईश्वर को मना रहे थे, मैं भी शंकर का भजन कर रहा था, वो भी शंकर का भजन कर रहे थे, उनकी भक्ति में इतना बल नहीं होगा, इसलिए ना उनको खाने को मिला ना रहने को मिला, मेरी भक्ति का बल बड़ा था, इसलिए फलदार वृक्ष मिले, पत्नी मिली, नाव मिली और रास्ता मिल रहा है, तो उनको पड़े रहने दो, उनको ले जाने से कौन सा फायदा। अरे भगवान ने आकाशवाणी कर कहा, तुमने भगवान से सब मांगा, तुम्हारे पिता ने क्या मांगा मालूम है तुमको, क्या मांगा मेरे पिताजी ने, तुम्हारे पिताजी ने एक ही चीज मांगी थी, मेरा बेटा जो जो मांगे भोलेनाथ उसको देते चले जाना, मेरा बेटा जो जो मांगे भोलेनाथ उसको देते चले जाना। इसको कहते हैं पिता, फादर्स डे की बधाई हो आप सभी को। इसको कहते हैं पिता जो अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सोनी जी और सोनी भाभी बैठी हुई है इधर, पाठक जी और पाठक जी के यहाँ से भाभी जी बैठी हुई है। इन लोगों से अगर पूछा जाए कि ये मंदिर भी जाते होंगे, कथा भी सुन रहे होंगे, या शिव का अभिषेक भी करते होंगे, और आपसे भी कहूंगा जितनी बुजुर्ग माता है या बड़े लोग बैठे हैं, कभी अपने लिए नहीं मांगते कि भगवान मुझको फोर व्हीलर गाड़ी दे दे या मुझको ये दे दे, या हमेशा कहते हैं मेरा बेटा अच्छा रहे, मेरी बहू अच्छी रहे, मेरा पोता को ऐसा हो गया, मेरी बेटी की यहाँ ऐसा हो गया, मेरे बच्चों को ऐसा हो गया, नाती पंती को ऐसा हो गया, ये जब मांगेंगे ना जब दूसरे के लिए। बहू और सास में एक ही अंतर है, बहू अपने लिए मांगती है, सास सबके लिए मांगती है, इसलिए सास की मुराद जल्दी पूरी हो जाती है और बहू आश्चर्य में पड़ जाती है, डोकरी देखो तो सही, क्या जोरदार साड़ी पहन के, टीका लगा के, कितनी जोरदार। जो सबके लिए सोचता है, सबके लिए मांगता है, भगवान सबसे पहले उसी का भंडार भर देते हैं, जा इतना सबके लिए मांगता है। मंदिर जाती गोराने त्रिपुरारी मिल गए, ना करें जीवन के सारे दुख तकलीफें कष्ट कटे, और शिव कृपा अपन सभी पर बनी रहे, अपन सब शंकर की भक्ति में नित्य प्रति रूप दे रहे। कथा चल रही थी वंश, मंदिर घर में भले छोटा हो, भले मंदिर को कोने में रखा हो, पर अपने दिल के कोने में, अपने हृदय के कोने में भी शिव जी को अवश्य रखना। एक बात जीवन में उतार कर रखिएगा, जो शंकर का द्वार नहीं भूलता उसको कभी महादेव नहीं भूलता, यह निश्चित है। शिव का जो द्वार पकड़ा है, शंकर का जो द्वार हमने पकड़ा है, शिव नहीं, आप अगर एक लोटा पानी चढ़ाते चढ़ाते साल भर हो गया, दो साल हो गया, तीन साल हो गया, चार साल हो गए, आपने मंदिर जाना बंद कर दिया, तो ये मत सोचना कि शिव जी आपको भूल गए, आपने मंदिर जाना बंद करा, शंकर आपको नहीं भूल गए। आप रोज मंदिर जाते हो, देवालय जाते हो, प्रतिदिन कथा में मन लगाकर टीवी के सामने 1 बजे से 4 बजे तक कथा श्रवण करते हो, रात में भी थोड़ी देर बैठकर कथा सुन लेते हो, 6 महीना 8 महीना 1 साल 1.5 साल 2 साल तक अपने नियम से मंदिर जाए, कथा सुने, भजन करें, कीर्तन करें, काम भी करें, सब कुछ किया, भगवान ने दिया भी, कृपा करी भी, पर बहुत दिन तक
आप मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने नहीं जा पा रहे, बहुत दिन तक आप कथा तक नहीं पहुंच पा रहे, बहुत दिन तक इस दिल को देवाधिदेव महादेव से नहीं लगा पा रहे हैं, तो मंदिर का द्वार तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो समझ लेना भगवान जब भी रूठता है ना तो आपका भोजन पानी बंद नहीं करता। भगवान रूठता है तो आपका धंधा पानी कभी बंद नहीं करता। भगवान जब रूठता है ना तो तुम्हें बीमार भी नहीं करता। भगवान जब रूठता है ना तो अपने मंदिर जो आने का समय रहता है ना, उस मंदिर के समय को, कथा के समय को इतना व्यस्त कर देता है, भगवान अपने पास आने नहीं देता। क्योंकि भगवान जानता है कि भगवान जब रूठता है ना तो दुकान धंधा पानी बंद नहीं करता। भगवान जब रूठता है तो तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा खाना पीना, सोना उठना बैठना, घूमना फिरना, ये कुछ परमात्मा बंद नहीं करता। परमात्मा एक ही चीज बंद करता है, कथा में मन नहीं लगने देता। एक बजे से चार बजे का समय होगा तो कोई मेहमान आ जाएगा, रिश्तेदार आ जाएंगे, पार्टी में जाना पड़ जाएगा, कोई कार्य में जाना पड़ जाएगा, या मंदिर में पानी चढ़ाने का समय, एक लोटा जल चढ़ाने का जो समय है तुम्हारा, सात बजे, आठ बजे, छह बजे, पांच बजे, कुछ ना कुछ ऐसा विघ्न उत्पन्न कर देगा, कोई ना कोई कारण ऐसा उत्पन्न कर देगा जिससे आप उसके मंदिर तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मंदिर तक जाते रहोगे, सत्संग करते रहोगे तो संकट टटका रहेगा। तो भगवान चाहता है कि अब इसकी संकट की घड़ी आ रही है, मंदिर छुड़ाना जरूरी है। तो यह कहेगा कि मैं तेरे दरवाजे पर आता रहा और तू भी मुझे दुखाता रहा। तो भगवान कहता है मैं सबसे पहले मंदिर छुड़ा देता हूं, सत्संग छुड़ा ला, फिर कहूंगा दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण में मुंह मत बिगाड़ना। क्या नहीं बिगाड़ना? मेहमान तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसकी सेवा करना, मुंह मत बिगाड़ना। कथा सत्संग में जाओ, मुख मत बिगाड़ो, तब अपना परिवार बिगड़ जाए, अपन बिगड़ जाए, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। उसकी भक्ति का बल बढ़ा, विश्वास, श्रद्धा। एक बार अशोक सुंदरी ने पार्वती मैया से काशी में नंदन वन में एक प्रश्न किया। काशी के नंदन वन में जैसे महाकाल बाबा का जो मंदिर है, ये महाकाल वन शिव महापुराण में लिखा है, कौन सा वन है चमके बोलिए? महाकाल वन। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो दारुक वन, कौन सा वन है? दारुक। काशी जो है वो नंदन वन। वन का मतलब मालूम है आप लोगों को? जम के बोलो जरा। वन का मतलब होता है घना जंगल। अगर आप जंगल में फंस जाएं, चारों तरफ हिंसक पशु पक्षी हों, चारों तरफ हिंसक पशु पक्षी हों, आपकी रक्षा आप कैसे करेंगे? चारों तरफ अग्नि को प्रकट कर लोगे, बीच में बैठ गए। हिंसक पशु पक्षी से बचने के लिए चारों तरफ अग्नि को प्रकट कर बीच में बैठ जाओगे कि ये पशु पक्षी इस वन में कहीं मेरा भक्षण ना कर ले, क्योंकि शस्त्र रखूंगा और हिंसक पशु पक्षी आ जाएंगे तो एक से लड़ूंगा, दो से लड़ूंगा, पर चारों तरफ अग्नि जल रही होगी, बीच में तुम बैठे होगे तो कोई हिंसक पशु पक्षी तुम्हारे पास प्रवेश नहीं कर सकता। शंकर भगवान का ज्योतिर्लिंग इन वनों में इसलिए है क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग ज्योति को प्रकट करता है कि जब जिससे वन में बैठते हैं और चारों तरफ अग्नि प्रकट होकर अपने को बचा लेते हैं, जिस समय जिंदगी के चारों तरफ से घिरे हुए हो, कहीं कोई परेशान कर रहा, कहीं कोई परेशान कर रहा, इधर से शेर, इधर से कोई, इधर से कोई, ना जाने कितने कितनी समस्याएं पूरे वन में, जिस घर में, परिवार में, कुटुंब में, कहीं में, नगर में, मोहल्ले में, क्षेत्र में घिरे हो, चारों तरफ से ये समझ लेना कि वन में घिरे हुए हो, हिंसक पशु पक्षी तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, तुमको नष्ट करने वाले हैं। उस समय पर जब कोई नजर नहीं आए तब किसी ज्योतिर्लिंग की ज्योति को चारों तरफ से स्मरण करना प्रारंभ कर देना, तो बचने का ठीक एक निश्चित उत्पन्न होगा। वो ज्योति प्रकट कर जो ज्योतिर्लिंग में, वो ज्योति प्रकट कर। एक पत्र में किसी ने लिखा है कि मेरी पत्नी के आंखों की दोनों ज्योति चली गई थी, नागपुर लेकर गए थे। जिसने पत्र लिखा होगा वो बैठा हो तो खड़े हो जाएंगे, पत्र ढूंढना पड़ेगा वापस। नागपुर लेकर गए, आप ही ने पत्र लिखा? अच्छा अच्छा अच्छा, इंजेक्शन के लिए लेकर गए थे, वही ठीक है, बैठिए बैठिए। नेत्र ज्योति चली गई थी, और नेत्र ज्योति जाने के चाचा नागपुर ले गए, डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन हर महीने लगवाना पड़ेगा, तो भी चांस नहीं है। तब शंकर भगवान की भक्ति को धारण कर उसका जल लगाना प्रारंभ किया, जैसा शास्त्र के अनुसार वर्णन किया था, शहद प्रयोग करना प्रारंभ करा, इंजेक्शन रखे की रखे रह गए, नेत्र ज्योति बाबा ने वापस लौटा दी। ये शिव बैठे शंकर की भक्ति में इतना प्रबलता, इतना शिव भक्ति। मालूम है आपको कि दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है, कष्ट बहुत है। अशोक सुंदरी ने नंदन वन में माता पार्वती से एक प्रश्न करा है, एक प्रश्न, और बड़ा सुंदर प्रश्न है वो, एक प्रश्न बड़ा सुंदर है। नंदन वन में माता अशोक सुंदरी अपनी माता पार्वती से, शंकर भगवान की सबसे छोटी पुत्री, माता पार्वती की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी कह रही है, मां जैसे मां किसी तालाब में कूद जाने पर वस्त्र गीले हो जाते हैं,
फिर वो वस्त्र सुखाने के लिए धूप में हवा में डाले जाते हैं, तब जाकर वो वस्त्र सूख पाता है, पहनने के लायक हो पाता है। तब अशोक सुंदरी ने कहा, माँ संसार सागर में ये समुद्र है, संसार सागर इसमें ये काया डूब जाती है और डूबने के बाद बाहर निकाली जाए, परमात्मा इस कपड़े को वापस पहनेगा। ये आत्मा का कपड़ा परमात्मा का है, संसार सागर में डुबाया है, इसको परमात्मा वापस लेकर जाएगा पहनने के लिए। जब ये संसार के सागर में दुख सुख में परिवार कुटुंब कबीले नाते रिश्ते सब में ये लिप्त हो गया, डूब गया, तालाब में गीला हो गया, तो ये पहनने के लायक कब बनेगा? कपड़ा धूप की रोशनी में सूख जाता है, कपड़ा हवा में डालो सूख जाता है, तो ये आत्मा परमात्मा के लिए शुद्ध कब हो पाती है? तो माता पार्वती जी ने कहा, जब एक बार संसार का मनुष्य, संसार का मानव जब सत्संग या किसी गुरु की शरणागति में पहुंचता है, तो जैसे ही शरणागति पर गुरु की दृष्टि पड़ती है, पड़ते से हवा चलती है और उसने जितना पाप किया होता है वो सब नष्ट होकर परमात्मा की ओर देते हैं। आपको एक बात और कही थी, याद होगा, लोन लेते हैं तो किसी दूसरे की गारंटी रखती है, लोन आप नहीं चुकाते तो गारंटी वाले का फैक्ट्री दुकान सब सब्जेक्ट कर ले लिया जाता है कि तुमने लोन नहीं चुकाया, लोन दूसरे ने लिया, गारंटी तुम्हारी है, प्रॉपर्टी तुम्हारी चली जाएगी। उसी तरह कोई गुरु अगर आपको भेंट कर मार्गदर्शन देता है, गुरु अगर आपको कुछ ज्ञान देता है, गुरु कहता है कि ये करो इससे फल मिलेगा, और आपने अगर विश्वास कर लिया तो उसकी गारंटी गुरु की होती है, क्योंकि कराएगा जरूर, भगवान से प्रार्थना करेगा, कहेगा, विनती करेगा और कहेगा इसको स्वीकार कर लीजिए, जैसा भी है आपका, किसी दूसरे का। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा में उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी ना में कटी जावांगी। बाबा से निवेदन करो कि हम परमात्मा आपके सत्संग में आकर बैठते हैं तो कोई तपन, सत्संग में बैठने पर कोई सूर्य की किरण जैसे पड़ती है, कपड़ा सूख जाता है, उसी तरह जब हम शिव महापुराण की कथा श्रवण करने बैठते हैं, भले टीवी पर सुने, यूट्यूब पर सुने, मोबाइल पर सुने, फेसबुक पर सुने, चाय कथा के पंडाल में सुने, एक किरण भगवान की दृष्टि की ऐसी पड़ती है कि व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, सुधर जाता है, मार्ग प्रशस्त हो जाता है, वो किरण रहने चाहिए। कितना सुंदर कहा है, निंदा करने वाला दूसरों को बुरा बता सकता है, बोलो सही है कि गलत है? जो निंदा करता है दूसरे की, मतलब दूसरे को इतना बुरा बता देगा, इतना बुरा बता देगा, इतना बुरा बता देगा कि उसके बराबर कोई बुरा नहीं। कभी कभी सोचने में आता है सुधीर भैया, एक बात ध्यान में आती है, कई बच्चियां, कई लोग एक जरा सी छुपकली से डर जाते हैं, अरे राम छुपकली, ये काकरोच है। अब एक बात समझ में आती है कि ये छुपकली से डरे, काकरोच से डरे, और अदालत में जब तलाक लेने खड़ी होती है तो शेर जैसी धाड़ती है, बात समझ में नहीं आती, यूं छुपकली से डर लगे, यूं काकरोच से डर लगे, और जब अदालत में केस लगाया जाता है तो सीधा सीधा कहा जाता है, ये मां किसने मुझे ऐसा करा, ये पिता किसने ऐसा करा, ये ऐसा करा, वो वैसा करा, ये भय। आज फिर कहूंगा, क्राइम जितने होते हैं उसको सरकार कभी नहीं रोक सकती, क्राइम को केवल आपका संस्कार और सत्संग ही रोक सकता है, इसके सिवा कोई नहीं। जितने क्राइम होते हैं, जितने गलत काम होते हैं, सरकार इसको रोकेंगे, आप और हम सत्संग में बैठेंगे, अच्छी बात जानेंगे, अच्छे संस्कार बच्चों को देंगे तो क्राइम होंगे। हमने पहले भी कथा में कहा था, बच्चे जब छोटे रहे तो उनके हाथ में गीता पकड़ा दीजिए, नहीं तो बड़े होने पर अदालत में गीता की सुगंध खाना पड़ेगा। अगर बचपन में बच्चों के हाथ में गीता पकड़ा दोगे तो बड़े होकर इनको अदालत में गीता पर हाथ नहीं रखना पड़ेगा, गीता की सुगंध नहीं खाना पड़ेगी, बचपन में ही गीता इनके हाथ में पहुंच गई तो ये बड़े होकर गीता की कसम नहीं खाएंगे, ये निश्चित है। थोड़ा संस्कार हमको देना पड़ेगा, थोड़ा ज्ञान हमको देना पड़ेगा, वो फिर हम सुधरेंगे। बोलो चला जल्दी से, बोलो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। अरे बोलो तो जम के, युग बदलेगा, कब बदलोगे? तारीख निश्चित करते चलो, धर्म की अधर्म का चिल्लाने से हो जाएगा, काय से होगा, अधर्म का नाश किस चीज से होगा? जो तुम एक लोटा जल शिव को चढ़ाओगे, घर पर लाकर छीटोगे सारा अधर्म। अभी हो क्या रहा है? आप सब बैठे हो, इतना कथा सुन रहा है आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, ईमानदारी से बोलना, आपके गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में, पूरे विश्व के, पूरे भारत की भूमि के एक एक गांव में जाकर चले जाओ, एक एक शहर में चले जाओ, कहीं पर भी तुम्हारी मर्जी पड़े तो दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, कहीं पर भी चले जाना, जाकर देखना गांव गांव के शंकर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ रहा है, मतलब अधर्म का नाश हो, अधर्म गया, कलयुग नहीं, जम के बोलो, शिव युग चल रहा है। कोई कहे कलयुग चल रहा है, मना कर देना, नहीं 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 नहीं, शिव युग चल रहा है।
इतना बदलाव कि लोग पहले बैसाख महीने में सुनने में आते थे कि माँ राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, माँ देवी जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, माँ इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आपकी बैसाख में सुनने को मिला कि माँ शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा, माँ शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा, माँ शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा, माँ शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा। जहाँ देखो शिव ही शिव, तो ये शिव नहीं तोड़ता, ये शिव नहीं तोड़ता है। पहले के लोग ना जाने किसी को लाकर मंदिर बिठा दिया, पर आज जिसको बिठाना था मंदिर में उसको तो लोगों ने मंदिर में नहीं बिठाया था, वो दूसरे को लाकर मंदिर में बिठा दिया था। आज खुशी इस बात की है कि जिसको मंदिर में बैठना था, मेरा देव अधिदेव महादेव शिवलिंग के रूप में प्रत्येक मंदिर में जाकर बैठ गया, उसकी प्रसन्नता। अब लोगों को भले काली मिर्ची लगे चाहे खरगोन की पटना मिर्ची लगे। एक बार खरगोन की कथा सुनी थी तुम लोगों ने, खरगोन में जब हम गए तो हमको ये मालूम पड़ा था कि इधर मिर्ची बहुत होती है, खूब मिर्ची होती है। तो हमने हमारी साधारण भाषा में पूछ लिया कि मिर्ची कौन से मौसम में लगती है, तो वहां का तो मुंह फटा दिया, तुरंत बोल दिया सच बोल दो अभी लग जाएगी। उसमें क्या मिर्ची कौन से मौसम में लगती है, बोले तो कभी भी लग सकती है, कोई समय बस सच बोलने वाला चाहिए और तुरंत लग जाएगी। कहां जी कलयुग नहीं सतयुग है महाराज, शिव और यही आनंद का विषय है, यही आनंद का विषय महाराज। धीरे 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 आषाढ़ जाएगा, क्या जाएगा सावन का महीना आ जाएगा, खूब बाबा मस्ती और अपन बोल त्रिपुण लगा के चोट आप सज के, और जितनों को मिर्ची लगती होगी ना, तो तुम अब सावन के महीने में और जब सज के जाओगी ना, राम तुम्हें देख देख के ये कहीं रस्सी पे निटन गिर जाएगा भगवान। इनका सुख परमात्मा के चरणारविंद है और उन चरणों का सुख एक आनंद देने वाला है। श्री शिवाय नमस्तु। भगवान तुम रुका जी चंचला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं, आनंद के साथ 12 ज्योतिर्लिंग की पावन कथा का रस स्वादन करा रहे हैं। पहले एक बार पुनः शिव महापुराण के मूल मंत्र को एक बार बाबा के सम्मुख में फिर बोलो, दिल से निवेदन करते हुए अपनी जगह पर बैठकर आनंद के साथ। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हर हर महादेव। शिव पुराण की कथा कहती है तुम रुका जी चंचला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हैं। पहला सोमनाथ बाबा का वर्णन किया, चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, काया भगवान शिव की कृपा से चंद्रदेव की ठीक हुई, भगवान सोमेश्वर महादेव के नाम से विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन, कार्तिक बाबा दुष्ट होकर चले गए, भगवान शंकर पार्वती को मनाने के लिए पहुंचे, बाबा मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान देव देवी महादेव ने किया, बाबा ने दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान महाकाल के रूप में विराजमान। दूषण नाम के राक्षस को मारना बड़ा, क्योंकि ये रूप रख लेता, 84 रूप इसने रखे लिए थे, भगवान देवदेव महादेव ने 84 रूप धारण करके इसका संहार किया। उज्जैनी नगरी में बाबा 84 महादेव के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है ओंकारेश्वर के नामक पर्वत ने तप कर बाबा को विराजमान किया, भगवान ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है श्री केदारनाथ, नर नारायण पर्वत ने भगवान शिव की आराधना करके शिव जी को यहां विराजमान करा। फिर वर्णन आया है श्री भीमाशंकर, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम जिसने सारे मंदिर देवालय तोड़वा दिए थे, शंकर भगवान ने उसका संहार करा तो शिव जी का नाम भीमाशंकर हुआ। अगला वर्णन आया है श्री काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुता ने तप कर भगवान को यहां पर विराजमान किया। अगला वर्णन आया है त्रंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मिटाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का स्मरण किया, तीनों देवलिंग के रूप में विराजमान भगवान त्रंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ, रावण भगवान शंकर को लेकर चले, बीच मार्ग में उनको रखा, उठाया, उठ नहीं पाए, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने किया था, यहाँ पर भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। फिर अगला वर्णन आया है रामेश्वरम, भगवान राम स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करते हैं और भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नियां सुधेया और भूषमा, सुधेया के घर औलाद नहीं संतान नहीं, भूषमा ने अपना पुत्र दिया, उसको पाल पोस कर बड़ा करा, शादी हो गई, बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो भूषमा है, इसको पूछना बंद कर दिया, इसने बेटे के टुकड़े कर पोटली में बांधकर तालाब में फेंक दिया। एक हफ्ते पहले मरा हुआ पुत्र भूषमा शिव जी को पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर विसर्जन करने जा रही थी, विसर्जन करते समय इसके मन में भाव आया, भोलेनाथ मैंने अपने पुत्र को बहुत दिन से नहीं देखा, आप कृपा करिए। तब बाबा देव अधिदेव महादेव ने भूषमा के पुत्र को एक हफ्ते पहले मरे हुए पुत्र को जीवित कर पुनः तालाब से बाहर निकाला, भगवान शंकर ने भूषमा के बेटे को जीवित करा तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया, चंचुला देवी का पति जो प्रेत योनि में था वो प्रेत योनि से छूट कर देव योनि को प्राप्त कर शंकर भगवान के धाम को गए। शिव जी ने कहा सुनो बिंदु, तुम
चंचला देवी को लेकर सात्विक लोक में निवास करो। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई सौभाग्यवती नारी, अखंड सौभाग्यवती नारी शिव महापुराण की कथा सुनती है, अखंड सौभाग्यवती होती है। जो वैधव्य नारी शिव महापुराण की कथा सुनकर हृदय में शंकर का अनुमोदन करती है वो मरने के बाद पति के लोक को शिव लोक को चली जाती है। भगवान शिव के धाम का आनंद जो जिस भाव से शंकर की पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है भगवान उसकी मन की कामना पूर्ण करते हैं। चंचुला देवी जब जाने लगी कुमुरुका जी ने शंकर भगवान के चरणों को प्रणाम करके कहा बाबा आप संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए कुछ कृपा करिए। शिव जी ने कहा कुमुरुका जी क्या चाहिए बोलो क्या दूं मैं तुमको। एक बात याद रखिए कथा का विराम होने जा रहा है। श्रावण का पहला दिन वैसे तो अभी आप गुरु पूर्णिमा की कथा सुनेंगे तो उसमें हम वर्णन करेंगे इस चीज का। श्रावण का पहला दिन और श्रावण का समापन का दिन ये दो दिन कुमुरुका जी का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र अगर कोई समर्पित कर देता है तो उसके घर में वंश की कभी कमी नहीं आ सकती, उसके घर संतान जरूर होती है, पुत्र प्राप्त होता है, बेटी हो बेटा हो संतान अवश्य प्राप्त होती है, वंश बढ़ता है। ये वंश की वृद्धि के लिए आप पूरे महीने बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते तो प्रथम दिन हो रहा श्रावण महीने रोज एक लोटा पानी लेकर जाते हो। श्रावण के महीने में कोई एक दिन दोनों हाथ में कलश लेकर जाना। हम कावड़ नहीं ले जा सकते, बहुत दूर नहीं जा सकते, अपने घर से जल भरकर हाथ की कावड़ बनाकर शिव जी पर दोनों हाथ से समर्पित करना है अपने घर की सुख समृद्धि। पूरे महीने में कोई एक शंकर का स्मरण कर शिव भक्ति को धारण कर। कुमुरुका जी के कहने पर शंकर भगवान ने कहा सुनो कुमुरुका जी सात दिन तक शिव महापुराण की पोथी पर जो बेलपत्र चढ़ेगी वो औषधि का कार्य करेगी, इसलिए छह दिन जो बेलपत्र पोथी की रहती है वो घुटना दर्द कमर दर्द हाथ दर्द शरीर के रोग को मिटाने की होती है और सात दिन की जो बेलपत्र होगी शिवजी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी पर समर्पित कर दी। ये बेलपत्र कुबेर भंडार का भंडार करने वाली होती है। देव महादेव की कृपा आप सबको तो इतनी